दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। हमारे पास है 2024 की ऑल न्यू बजाज चेतक 2903। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बैजिंग भी है 2903 की। तो ये कंपनी ने चेंजेस करके काफ़ी सारे एक नए जो है मॉडल निकाला है। तो कह सकते हो एक स्टार्टिंग वाला मॉडल है अपना बजाज चेतक का। अगर लुक्स हम देखें तो कंपनी ने जो इसके प्रीमियम मॉडल आते हैं वैसा ही लुक रखा है। व्हील्स वगैरह टायर वगैरह लगभग वही है, लेकिन इसके अंदर जो बैटरी मोटर वो और जो रेंज है ना वो उसमें आपको हल्का फुल्का जो चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं हूँ श्याम जा भिवानी के अंदर। तो ये अपना जो है स्टॉक यार्ड है, एक अपना जो दूसरा शोरूम है वहाँ पर भी मैं क्लिप ऐड कर दूंगा। तो आपको गाड़ी लेनी रहेगी तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो या फिर बजाज की कोई अदर आपको गाड़ी लेनी रहेगी तो शोरूम का जो कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आज की डेट में बजाज का ऑन रोड प्राइस है वो 1,08,000 रुपये, ठीक है। आपको अगर आप एक्सेसरीज लगवानी रहेंगी या फिर आपको टेक पैक लेना रहेगा तो वो जो है एक्सक्लूडेड रहेगा, इंक्लूडेड इसके अंदर नहीं है। तो जो 2903 है इसमें सबसे बड़ा जो चेंजेस है ना वो एक फिजिकल की वाला है। इससे पहले अर्बन और प्रीमियम में यहाँ पर एक बटन रहता था, एक सेंसर अगर आपके पास है तो आप उस बटन को एक्सेस कर सकते थे। तो सबसे पहला चेंज तो ये है। सेकंड, यहाँ पर आपको जो इसकी जो बैटरी जो आपकी जो है मोटर है वो 4.2 किलोवाट की देखने को मिलती है एंड यहाँ पर आपकी जो बैटरी है वो 2.8 किलोवाट की है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम रेंज देखने को मिलती है, क्लेमेबल रेंज है जो कंपनी की तरफ से, वो 123 किलोमीटर की है। लेकिन अगर आप मीटर में देखोगे ना तो वो 100 किलोमीटर शो करता है, लेकिन वो है 123 किलोमीटर। तो ये लगा लो कि अगर आप रियल वर्ल्ड में अगर इसको चलाओगे तो 100 से लेके 120, 110 या फिर 115 के बीच में आपको जिसकी रेंज मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो चार्जर है वो ऑनबोर्ड चार्जर है, एक्सटर्नल चार्जर है जो कि सीट के नीचे आराम से आ जाता है। ये रहा अपना चार्जर। ये आपका जो चार्जिंग टाइम है ये 4 से लेके 4.5 घंटे के बीच में 0 to 100 आपको जो है चार्ज करके देगा। यहाँ पर जो टॉप स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली ये लगा कि 80 टू 90 आपको जो मिल जाएगी एंड जो 100 किलोमीटर की जो रेंज होती है ना वो सिटी के लिए मोर देन इनफ रहती है, क्योंकि जो स्कूटी मेनली हम सिटी में चलानी है, इंटर सिटी अगर आप ट्रैवल करते हो तो भी मेरे हिसाब से जो है सफिशियंट रहती है 100 किलोमीटर। तो ये जो चेंजेस हैं अपने आए हैं अपने 2903 में। अब शुरुआत करते हैं और एक जो मेनली क्वेश्चन रहता है ना कस्टमर्स का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो ये रहता है कि गाड़ी में अपने को क्या कुछ जो वारंटी मिलती है। रेंज तो हमने देख ली, तो वारंटी ये लगा लो कि चार्जर की आपकी 1 साल की आपकी जो वारंटी रहेगी एंड अदर जो ये जैसे कि बैटरी या फिर ये आपकी जो मोटर रहेगी और जो पूरी गाड़ी की 3 साल की आपको जो है 3 साल या फिर 50,000 किलोमीटर की आपको वहाँ से वारंटी देखने को मिलती है। अगर आप जो है वारंटी बढ़वाना चाहते हो तो उसके लिए आप जो है जब गाड़ी लेने जाओगे तो जब आप जो है बात कर सकते हो या फिर जो मैंने नंबर दिया है श्री श्याम जजवानी का वहां पे जाके आप इससे पूछताछ कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने फ्रंट से। तो सबसे पहले बता दूं ये अपनी वेव वाली फिजिकल की है, यहां पर हम डालेंगे तो ये मीटर ऑन हो जाएगा। तो ये इसका फ्रंट का लुक, फ्रंट का लुक जैसे मैंने बताया कि अर्बन और प्रीमियम जैसा ही रखा गया है। यहां पर आपको ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे डिजाइन वाइज। तो फ्रंट में एक फुल्ली एलईडी हेडलैम्प, हालांकि ऑल एलईडी सेटअप दिया गया है। ये अपनी एक रिंग डीआरएल है, यहां पर अपर और लोअर बीम है, यहां पर अपने एलईडी वाले टर्न सिग्नल और फ्रंट से गाड़ी इस तरह की लुक देती है। मल्टीपल कलर्स में आती है, फिलहाल अपने पास जो है ग्लॉस ब्लैक कलर है, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्रंट में चेतक के स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर है नंबर प्लेट होल्डर, इसमें नंबर प्लेट लगती है। जो गाड़ियाँ लगा लो कि 40 से ऊपर जिनकी स्पीड जाती है उन पे आपको जो है आरटीओ से नंबर प्लेट लेना मैंडेटरी रहता है, उसके बिना आपकी जो गाड़ी है अप्रूव नहीं होगी, इंश्योरेंस वगैरह नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो साइड वाले पैनल हैं वो आपको जो है मेटल में दिए गए हैं, उसके अलावा जो अपनी बॉडी है वो अपनी फाइबर में दी गई है। फाइबर में देने का ये फायदा रहता है कि लोग जो है इतना टाइम नहीं होता कि इसको वॉश करें बार बार, तो अगर मेटल का रहेगा तो उसमें जंग वगैरह लग के जो है आपका खराब हो जाएगा। प्लास्टिक में एज सच आपको कोई दिक्कत नहीं आती, प्लस यहाँ पर वेट रिडक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो साइड से देखते हैं तो अपनी गाड़ी इस तरह की है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी शानदार बॉडी दी गई है। साइड में यहाँ पर आपको स्टिकर देखने को मिल जाएंगे, ये इसके फुट पैक्स, और पीछे में आपको अगेन एलईडी टेल लाइट और एलईडी टर्न सिग्नल मिल जाएंगे। ये इसका ग्रैब रेल, यहाँ पर अगेन इस तरह का डिजाइन मिल जाएगा चेतक का स्टिकर। पीछे में नंबर प्लेट होल्डर, यहाँ पर है लाइसेंस प्लेट लाइट, साइड में रिफ्लेक्टर और यहाँ पर है अपना व्हील। तो ये एक्सपोज्ड व्हील है, इसमें आपको 12 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं फ्रंट में भी और रियर में भी, ठीक है। यहाँ पर आपको जो टायर है फ्रंट में 90 मिलीमीटर का टायर है, ये ट्यूबलेस टायर है MRF की तरफ से, MRF जैपर। और पीछे का जो टायर साइज है वो भी आपको 90 मिलीमीटर का मिल जाएगा, अगेन 12 इंचेस व्हील। फ्रंट में और रियर में इस मॉडल में आपको जो है ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। अदर जो अपर मॉडल में लोगे तो वहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाएगा ड्रम ब्रेक के साथ, यहाँ पर आपका कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। और फ्रंट में आपको सिंगल साइडेड इस तरह का स्प्रिंग और हाइड्रोलिक वाला सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। पीछे में सिंगल साइडेड यहाँ पर आपको सस्पेंशन देखने को मिलेगा, तो सस्पेंशन वाइज भी आपकी काफ़ी अच्छी इसमें आपको जो पकड़ मिलेगी। और यहाँ पर आपको इस तरह की ये ड्राइव सिस्टम देखने को मिलता है, तो बेल्ट ड्राइव सिस्टम नहीं है जैसे कि मैंने देखा है या फिर पूछा है। इसमें आपको गियर सिस्टम देखने को मिलता है,
तो सर्विस के टाइम पे आपके जो है ब्रेक वगैरह चेक होंगे या फिर जो आपके फंक्शंस हैं वो चेक होंगे, और गियर ऑयल जरूर से इसमें चेक होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरह के एल्युमिनियम वाले इसमें जो है जो अपने मिरर्स रहते हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपका चेतक का लोगो देखने को मिल जाता है। इस तरह के इसके लीवर्स हैं, ब्रेक लीवर ब्लैक कलर के अंदर। यहाँ पर आपको एक पार्किंग ब्रेक भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह का अपना डैशबोर्ड है और 2903 में जैसे मैंने बताया एक फिजिकल की आ गई है। यहाँ पर आपको बैजिंग है। इस तरह के एक ग्लव बॉक्स आपको मिले हैं, पहले मेरे हिसाब से नहीं मिलते थे। नीचे में एक बकेट दे दी थी। यहाँ पर आपको हुक है, अगेन यहाँ पर एक ग्लव बॉक्स और एक USB चार्जिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस तरह का फुटबोर्ड है। यहाँ पर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 मिलीमीटर का यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से सफिशिएंट है, ठीक है। इस तरह की आपको काफ़ी लंबी सीट देखने को मिल जाएगी, लंबी भी है और वाइड भी है। और यहाँ से आप पीछे वाली बूट है उसको ओपन कर सकते हैं। एंड अंडर सीट स्टोरेज देखें तो ये इसकी अंडर सीट स्टोरेज। यहाँ पर आपका चार्जर जो है, यहाँ पर जो आपका चार्जर जो है प्लग इन होगा। एंड जो अंडर सीट स्टोरेज है वो 21 लीटर्स की है। यहाँ पर आपका जो है टूल बॉक्स या फिर मैनुअल वगैरह आपका चार्जर वगैरह रख सकते हैं। हेलमेट भी आ जाएगा, हाफ फेस हेलमेट आराम से आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और लाइट वगैरह मेरे हिसाब से अभी इसके अंदर नहीं है, लेकिन वो भी इन फ्यूचर आ जाएगी। इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, ठीक है। अब गाड़ी का जो वेट है वो 134 किलोग्राम का इसका वेट है। एंड जैसे कि मैंने बताया आपको जो ट्यूबलेस टायर, ड्रम ब्रेक सारी जो है आपको मेटल बॉडी प्लस प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है। और इसमें अगर आप टेक पैक लेते हो जो कि 3000 का पड़ेगा, जो कि लाइफ टाइम तक आपका चलेगा जब भी आप गाड़ी ऑन करते हो, ठीक है। तो टेक पैक में आपको जो है रिवर्स मोड और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपको जो फ्रंट गियर सिस्टम भी इसके अंदर देखने को मिलता है। ये है इसका मीटर, एक बार ऑफ करके ऑन करते हैं। एक बार मैं जो इसका जो लाइट है वो बंद कर देता हूँ फ़ोन की। यह इसका मीटर, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके स्विच केस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक डेडिकेटेड न्यूट्रल बटन भी दे दिया गया है। अब जैसे ही आप साइड से हटाओगे ना तभी ये ड्राइव मोड में चलेगी, अदरवाइज ये नहीं चलेगी। और हेडलाइट ऑन या ऑफ भी जब होगी जब आपको ड्राइव मोड में लगाओगे। उसके अलावा जो है बैटरी बचाने के लिए कंपनी ने ये चीज़ जरूर से मेरे हिसाब से की होगी। यहाँ पर है आपका हाई बीम लो बीम टर्न सिग्नल हॉर्न। यहाँ पर आपका ब्लूटूथ के लिए बटन दिया गया है, ड्राइव मोड न्यूट्रल रिवर्स और मोड बटन टर्न सिग्नल लेफ्ट एंड राइट की, ठीक है। इस तरह के आपको जो है यहाँ पर डैशबोर्ड दिया गया है। ये है अपना मीटर। यहाँ पर आपको जो है टैकोमीटर, न्यूट्रल, बैटरी इंडिकेटर, रेंज, स्पीडोमीटर, टाइम, साइड स्टैंड, वार्निंग और साइड में टेल-टेल लाइट्स आपको दी गई हैं। और ब्लूटूथ के जो फीचर्स हैं वो भी आपको जो जैसे चलाओगे एक बार फिर से ऑन करके देखते हैं क्या कुछ जो टेल-टेल लाइट्स हैं। यहाँ पर आ जाए न्यूट्रल की ही लाइट शो कर रहा है। तो मोड में जाते हैं तो भाई यहाँ पर आपको SOC, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, SOC फिर से आ गया भाई। 87% जो इसकी फिलहाल बैटरी है। तो 0-100 में चार्ज, 0-100 चार्ज होने में लगेंगे 4 से 4.5 घंटे। और जो क्लेमेबल रेंज है 123 किलोमीटर की है, लेकिन जो शोरूम वाले मेरे को बताया कि 100 से लेकर 110 या फिर 115 के बीच में आसानी से चल जाएगी। वो वेरी भी कर सकता है आपके राइडिंग स्टाइल और राइडिंग कंडीशन के हिसाब से। बैटरी है 2.8 किलोवाट की, मोटर है 4.2 किलोवाट की इसमें बैटरी है जो अपनी मोटर है, और 2.8 किलोवाट की इसमें बैटरी है। यहाँ पर आपको 48 वोल्ट की एक प्राइमरी बैटरी मिलेगी जो कि मोटर को फंक्शन करती है इसमें रनिंग के लिए। एक 12 वोल्ट की अलग से इसमें मोटर दी गई है ताकि जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि मीटर, लाइट्स, हॉर्न वगैरह, ECU वगैरह वो उस पर रन कर सकते हैं, ताकि एक सेपरेट पावर सिस्टम रहे अपनी गाड़ी को रन करने के लिए, एक अलग सिस्टम रहे पावर सिस्टम अदर जो फंक्शंस हैं उनको चलाने के लिए, ठीक है। तो ये थी अपनी वीडियो बजाज चेतक की। और यहाँ पर आपको ये साइड स्टैंड मिल जाएगा। मेन स्टैंड आपको एज एन एक्सेसरी आपको वो लेना पड़ेगा। और एक्सेसरी में आपके साइड गार्ड आ जाएंगे, पीछे वाला लेडी फुटरेस्ट आ जाएगा, मैट आ जाएगा, सीट कवर आ जाएगा, एंड मेन स्टैंड इसके अंदर जो है आ जाता है। तो आई होप मैंने सारी जो ज़रूरी जानकारी है वो कवर कर ली होंगी, ठीक है। अगर आपको गाड़ी लेनी रहेगी तो श्रीश्याम बजाज भिवानी का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, एड्रेस डिटेल है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से दबा लेना। मिलते हैं इसी शानदार ऐसी ही शानदार वीडियो में। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।